और आने वाले समय में ऐसे भी क्राइसिस आ सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी तनख्वाह देना जो है वो मुश्किल हो जाएगी। विधानसभा सत्र चला है, मानसून सत्र है, अभी 10 तारीख तक, 10 सितंबर तक ये चलेगा और मुख्यमंत्री जी महोदय के पास प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इस समय चली है उनकी नाकामियों को छुपाने के अलावा कुछ नहीं है। प्रदेश में जो हालात हैं आज नेशनल लेवल तक, जो आप जिस तरह से टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं, वो प्रदेश की जो है क्या हालत हो रखी है, किस तरह सा नैरेटिव एक खड़ा कर दिया गया है प्रदेश में कि हमारा प्रदेश बदहाली से जूझ रहा है। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा और उनके कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा जो भद्दा मजाक प्रदेश की जनता के साथ किया जा रहा है कि जी 2 महीने की सैलरी जो है और भत्ते जो हैं हम छोड़ रहे हैं और 2 महीने बाद जो है वो इनको इकट्ठा लिया जाएगा, ये किस तरह से मतलब जिसे कहते हैं कि केवल और केवल लोगों को भ्रमित करना और इतने मतलब जिसे कहते हैं कि झूठ भी बोलते हैं और झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं कि बार बार अगर आप झूठ को बोलेंगे तो वो झूठ जो है वो सत्य नहीं हो जाता। ये जनता है और जनता सब जानती है जो ये इनके कर्म हैं जो ये करे जा रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने लूटपाट भ्रष्टाचार प्रदेश में चरम सीमा पे चला हुआ है, रेवड़ियों की तरह कैबिनेट रैंक बांटे जा रहे हैं, अपने चहेतों को नौकरियां दी जा रही हैं, युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, महिलाएं जो हैं जिनको चुनावों के समय 1500 का लालच दिया गया, जब उपचुनाव आए तब उन उपचुनावों में 1500 के फॉर्म भरे गए, अब वो सब गायब हो चुका है, अब बोला जा रहा है कि पंचायतों में जाएंगे। आज युवा जो है वो सड़कों पे है नौकरियों के लिए, 1 लाख नौकरी देने का इन लोगों ने वादा किया, हर चीज जो इन्होंने वादे किए और अब जो है ये भूमिका बांध रहे हैं कि जी हम छोड़ रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे भी क्राइसिस आ सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी तनख्वाह देना जो है वो मुश्किल हो जाएगी, ये उसके लिए भूमिका बांध रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है जिस हिसाब से चली हुई है लोग भली भांति अब इनको समझेंगे और जानेंगे और आने वाले समय में जनता ही इसका जवाब देगी।